श्रीनगर में छुट्टी लेकर ईद मनाने जा रहे सेना के जवान औरंगजेब की गुरुवार को आतंकियों ने हत्या कर दी। उन्हें शोपियां से सुबह 9:30 बजे कलमपोरा से अगवा किया गया था। बाद में उनका शव रात करीब 8 बजे मिला। ये हिजबुल आतंकी समीर टाइगर को एनकाउंटर में मारने वाली टीम में शामिल थे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान औरंगजेब 44 राष्ट्रीय राइफल के साथ शोपियां की शादी मर्ग में तैनात थे। राजौरी जिले के मेडर निवासी औरंगजेब ईद मनाने के लिए सुबह 9 बजे घर से निकले थे। शादी मर्ग कैंप के बाहर साथियों ने उन्हें प्राइवेट कार में बैठाया। कुछ दूर आगे कलमपोरा पहुंचते ही 4-5 आतंकियों ने किडनैप कर लिया। ड्राइवर से सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। देर शाम पुलवामा जिले में गोलियों से छलनी उनका शव मिला। केंद्र सरकार के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि ईद के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक तरफा संघर्ष विराम खत्म हो जाएगा। संघर्ष विराम के दौरान आतंकी हमलों में 3 गुना इजाफा हुआ है। इस मुद्दे पर गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई थी। हालांकि संघर्ष विराम रोकने के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। रमजान के शुरुआती 27 दिन में आतंकी हमले 3 गुना बढ़ गए। इन 27 दिनों में 58 आतंकी हमले हुए, जबकि रमजान का महीना शुरू होने से पहले के 27 दिनों में 18 हमले हुए थे। पिछले साल 2 जवानों की हत्या कर दी गई थी। आतंकी हमले में छुट्टी पर आने वाले जवानों को निशाना बना चुके हैं। मई 2017 में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की आतंकियों ने अगवा करने के बाद हत्या की थी। 22 वर्षीय उमर शोपियां में अपने कजन की शादी समारोह में भाग लेने आए थे। 2017 में शोपियां के ही टेरिटोरियल आर्मी जवान इरफान अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें भी घर से ही अगवा किया गया था।